राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबी दूरी को कम करने के लिए सुरंग सड़क मार्ग की परियोजना में मनिहाल काजीगुंड टनल बनकर तैयार हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। इस बीच सरकार इन परियोजनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में विकास और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए, देश के जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े शहरों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबी दूरी को कम करने की दिशा में सुरंग सड़क मार्गों की परियोजना में चेनानी नाशरी सुरंग के शुरू होने के बाद जहां जम्मू और श्रीनगर की दूरी 31 किलोमीटर कम हो गई है, वहीं अंतिम चरणों में चल रहे बनिहाल काजीगुंड सुरंग सड़क मार्ग के इस साल चालू होते ही ये दूरी 31 किलोमीटर और कम होकर जम्मू और श्रीनगर 62 किलोमीटर नजदीक आ जाएंगे और कम से कम 4 घंटे के समय की बचत होगी। केंद्र सरकार ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते 286 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच सफर को आसान बनाने के लिए 13 सड़क सुरंगों के निर्माण की परियोजना को अंजाम दिया था, जिसमें दो प्रमुख चेनानी नाशरी और बनिहाल काजीगुंड सुरंग शामिल थे। इनमें से उधमपुर जिले के चेनानी और रामबन जिले के नाशरी तक 9.28 किलोमीटर लंबे सड़क सुरंग मार्ग को पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल को उद्घाटन करके शुरू कर दिया है, जिसके शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच का सफर 31 किलोमीटर कम हो गया है और 2 से 2.5 घंटे तक के समय के साथ 27 लाख रुपए के वाहन ईंधन की भी बचत होगी। केंद्र सरकार का दावा है कि दुर्गम पहाड़ी रास्तों में जोखिम को कम करने के मकसद से सड़क सुरंगों के निर्माण को जीवन रक्षी बनाने के लिए सुरंग नियंत्रण प्रणाली को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वहीं दूसरी प्रमुख सुरंग के रूप में करीब 8.50 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण बनिहाल और काजीगुंड के बीच हो रहा है, जो अंतिम चरणों में है और कुछ महीने तक इस मार्ग के भी आम आवागमन के लिए शुरू होने की संभावना है। सड़क मार्ग के चालू होते ही जम्मू और श्रीनगर के बीच 31 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी इन शहरों को जोड़ने वाले 286 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8-9 घंटे में पूरा होने वाला सफर 4-5 घंटे कम होने के साथ केवल करीब 224 किलोमीटर का ही रह जाएगा। गवर्नमेंट जोरों शोरों से काम कर रही है। काजीगुंड जो बनने वाली टनल थी वो कंप्लीट हो गई है, कर इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जवाहर टनल बंद हो जाती है, फिर इसके बावजूद लोगों का आना जाना बंद रहता है, इसलिए जो ये एक्सप्रेस टनल बनाई गई बनिहाल टू काजीगुंड जो टनल बन रही है, उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और लोग आते जाते रहेंगे। अगर जवाहर टनल बंद भी होगी तो लोग आते जाते रहेंगे, इससे ट्रेड भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को हम शुक्रगुजार है, जो गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने काम कम्प्लीट किया और कल ये जो टनल है वो कम्प्लीट हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों के विकास को गति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।